यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ज्येष्ठ मास की बड़ी अमावस्या के दिन श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय। बंधुओं ज्येष्ठ मास की अमावस साल की एक बड़ी अमावस्या मानी जाती है। जो मनुष्य भी इस अमावस्या पर अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं उन्हें पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। बंधुओं ज्येष्ठ मास की अमावस्या को प्रातः जल्दी उठकर गंगा जल को नहाने के जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए और स्नान के जल में दो दाने काले तिलों के भी डालने चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल में तिल मिलाकर अर्घ देना चाहिए और यदि आप सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देते तो पीपल में कच्ची लस्सी में काले तिल मिलाकर दो पताशे मिलाकर पीपल की जड़ में अवश्य चढ़ाएं। बंधुओं यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पितर खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे जिससे आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। बंधुओं इसके बाद आप ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन श्रीमद् भागवत गीता के इस अध्याय को अवश्य सुने। बंधुओं आप सभी जानते हैं पितर खुश हों तो वे अपने बच्चों के सभी कार्य बना देते हैं और आपको ऐसा करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी। बंधुओं यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं श्रीमद् भागवत गीता के इस अध्याय को पूरा सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय कृष्ण भगवान की जरूर लिखें। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान बोले हे पार्थ तुम मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे प्रायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश मन बुद्धि अहंकार भी ऐसे यह आठ प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। हे महाबाहो इससे दूसरी को मेरे जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। हे अर्जुन जल में मैं रस हूँ चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ आकाश में शब्द पुरुषों में पुरुषत्व हूँ पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ अर्थात जिस जगह जीते हैं वह मैं हूँ तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ
मैं बलवानों का अशक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तुम मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस तामस इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेष आदि विकारों से संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी आप जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी ऐसे चार प्रकार के भगत जन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भगत अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है, यद्यपि ये सभी उदार हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भगत अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषय असक्त पुरुष है वे तो अपने स्वभाव से ही प्रेरे हुए उन उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो जो सकामी भगत जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भगत की उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है, उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अलप बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भगत चाहे जैसे भी भजे शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ ऐसे प्रभाव को तत्व से ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर भक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष आदि द्वंद रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा
अधि यज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप, बादल, धूप, पानी और बर्फ, यह सभी जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। ओम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।